के प्रति सर्वस्व समर्पण का नाम हनुमान है। उनमें प्रभु के प्रति प्रेम की प्राकाष्ठा है। भक्तों को भव सागर पार कराने का नाम हनुमान है। वे प्रभु के प्रति प्रेम करने में सबसे अद्वितीय, अनुपम व अतुलनीय हैं। आज हम हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। कलयुग में हनुमान व प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त, जिन्हें दोनों देवताओं के दर्शन हुए, वे गोस्वामी तुलसीदास हैं। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर घर घर राम भक्ति को पहुंचाया। रामचरितमानस का पांचवा कांड अर्थात अध्याय सुंदरकांड नाम से जाना जाता है। आज का कार्यक्रम सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों व छंदों पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर किसी को भक्त बनाना नहीं, बल्कि विद्यार्थी, शिक्षक, समाज आदि को प्रेरणा देना है। इस कारण आज के कार्यक्रम का शीर्षक है सुंदरकांड जीवन निर्माण का साधन या सुंदरकांड प्रेरणा पुंज। शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम सुंदरकांड प्रेरणा पुंज। मंगलाचरण के बाद सुंदरकांड की पहली चौपाई है हनुमान की सोई भी शक्तियों को जामवंत ने जगाया। हनुमान को जैसे ही सोई भी शक्तियां याद आई, वे पूरी शक्ति के साथ प्रेरित हो गए। विद्यार्थी को शिक्षक हमेशा जगाता रहता है, प्रेरित करता रहता है। अगर इसके बाद भी विद्यार्थी प्रेरित नहीं होता तो वह जीवन में असफल रहता है। हनुमान अगर प्रेरित नहीं होते तो वे सीता माता की शुद्धि नहीं कर पाते। हनुमान जब पूरे वेग से उड़ते हुए जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो। इस पर हनुमान ने कहा अर्थात हनुमान ने कहा राम काज के बिना मुझे विश्राम नहीं है। हनुमान ने कहा कि श्री राम का काम के बिना मुझे विश्राम कहाँ। यह संदेश कि जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए तब तक विश्राम करना अपराध है। कुछ अच्छा करने जाएंगे तो ईश्वर कदम कदम पर हमारी परीक्षा लेता है। कुछ अच्छा करते हैं तो हम आपकी परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार हनुमान की परीक्षा ले गई कि वे इस कठिन काम को कर पाएंगे या नहीं। प्रभु की लीला थी। सुरसा राक्षसी के रूप में प्रकट हुई, बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान ने कहा मैं आपका आहार बन जाऊंगा, पर मुझे पहले प्रभु का काम पूर्ण करना है। इस पर सुरसा ने अपना रूप दिखाया। उसने 16 योजन चौड़ा मुख किया, हनुमान ने 32 योजन किया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान ने आशु बुद्धि अर्थात तुरंत बुद्धि लगाई और अत्यंत लघु रूप ग्रहण किया और विशाल मुख में घूमकर वापस निकल आए और सुरसा देखती रह गई। यहाँ संदेश यह मिलता है कि अगर हम किसी बड़ी दुविधा में अचानक फंस जाए तो हमारे पास तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। अगर यह शक्ति हमारे पास नहीं है तो दुविधा बड़ा रूप ले लेती है। अर्थात सुरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि आप प्रभु श्री राम का काम अवश्य करेंगे। अब हनुमान लंका पहुंच गए हैं। लंका में हनुमान मच्छर का रूप लेकर प्रवेश करते हैं। यहाँ संदेश कि दुश्मन के घर में छोटा बनकर प्रवेश करो और दुश्मन को कभी छोटा मत समझो।
बड़ा समझो, तभी आपकी विजय सुनिश्चित होगी। जिस हनुमान ने सुरसा के सामने विषाद रूप दिखाया, वह लंका में मच्छर के रूप में प्रवेश करते हैं, अर्थात उन्हें अभिमान नहीं है, वे दुश्मनी को दुश्मनी के तरीके से समाप्त करने या विजय करने के पक्ष में। अब वहां जाकर उन्होंने सोने की लंका देखी। उसने कवि तुलसीदास ने क्या वर्णन किया है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत अच्छा छंद है, सुनिए। हनुमान ने लंका के हर महल में सीता को देखा, पर सीता किसी भी महल में नहीं दिखी। देखते देखते वे एक ऐसे महल के पास आते हैं जिस पर राम नाम अंकित था। हनुमान ने लंका में राम नाम का महल देखा तो अत्यंत खुश हुए और सोचा कि लंका में भी सज्जन रहते हैं। संदेश: प्रभु भक्त को पहचान लेता है। सज्जन लोग दुर्जनों में भी सज्जन को पहचान ही रहते हैं। हमें सज्जनों को पहचानने की कला में निपुण होना चाहिए। हनुमान मजाकिया स्वभाव के भी हैं। बाबा तुलसी ने उनके विनोदी स्वभाव का थोड़ा सा चित्रण किया है। विभीषण ने हनुमान जी से जब पूछा कि आप अपना परिचय दे, आप हरि हैं या हरि कृपा से मिले सज्जन, साधु या भक्त, तो हनुमान विनोदी भाव से कहते हैं, अर्थात हनुमान कहते हैं कि प्रातः काल अगर हमारा कोई नाम लेता है तो उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है, अर्थात मैं एक बंदर हूं। संदेश: जीवन में चाहे कितना भी गंभीर कार्य करें, थोड़ा बहुत मजाक के लिए स्थान होना चाहिए, इससे जीवन में तनाव कभी नहीं होगा। अब विभीषण हनुमान को बताएंगे कि सीता कहाँ है, किस हालत में है। अब हनुमान अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करेंगे। अशोक वाटिका में उस वक्त रावण सीता माता को डांट रहे थे। हनुमान पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे। जब रावण दासियों के साथ निकल गए तो हनुमान ने उचित अवसर समझा। हनुमान ने मुद्रिका डाली। सीता ने मन में विचार किया कि यह राम की मुद्रिका है। ऐसी मुद्रिका किसी को तभी मिल सकती है जिसने राम को जीता हो, और राम को कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी रची नहीं जा सकती। संदेश: हर भारतीय नारी को अपने कुल के मान और सम्मान पर गर्व होता है। उसके गर्व को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हनुमान द्वारा सीता से भेंट करना मुद्रिका के रूप में एक पासवर्ड था। यह मुद्रिका हनुमान के पास थी। इसका अर्थ है रघुपति ने भेजा है। यही हनुमान कहते हैं कि मैं तो बंदर हूं, मुझे शायद सदव्यवहार करना न आए, पर मैं रघुनाथ का दास हूं। सीता को जब हनुमान पर विश्वास हो गया तब सीता हनुमान से पूछती है कि प्रभु राम कैसे हैं। संदेश: एक आदर्श भारतीय नारी चाहे कितने भी बड़ी दुविधा में हो, चाहे कितने भी संकटों में हो, वह अपने कुल परिवार आदि की चिंता को प्राथमिकता देती है। हनुमान जी व सीता जी के बीच लंबी बातचीत चलती है। अब हनुमान बुद्धि चातुरी से काम लेते हैं, अर्थात हनुमान चालीसा की चौपाई आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अर्थात वो ज्ञान का सागर है। सीधी सी बात यह है कि अब उन्हें रावण से टक्कर लेनी है। अब रावण से मिलन कैसे हो? रावण कोई सामान्य दानव नहीं है, वह लंकेश है, लंका का राजा है। लंका का राजा एक वानर से मिले
असंभव। हनुमान ने योजना बनाई कि अशोक वाटिका को उजाड़ा जाए, सुर्खियों में आया जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए, पर मां की स्वीकृति के बिना नहीं। हनुमान जी कहते हैं, माते मैं भूखा हूँ, थोड़े फल खाना चाहता हूँ। माता ने कहा कि यहाँ बहुत खतरनाक राक्षस हैं। हनुमान ने कहा, उनकी मुझे परवाह नहीं, मुझे आपकी स्वीकृति चाहिए। उसके बाद हनुमान ने फल खाए और फल खाकर रावण से भेंट करने का प्रथम प्रयास अशोक वाटिका को उजाड़ने का किया। संदेश, अगर आप सक्षम हैं तो अपनी सक्षमता दिखाएं, लोग आपको अवश्य नोटिस करेंगे, जैसे कि अब रावण हनुमान से स्वयं मिलने आएंगे। हनुमान जी ने जब अनेक राक्षसों का वध कर दिया तो अंत में उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान ने फिर तत्काल उचित निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र ने हनुमान को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि वे नागपाश में बन गए। संदेश, जब आपके बड़े गुरुजन माता पिता आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उस डांट को सम्मान से स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह आपके हित के लिए ही किया जाता है। राक्षसों के लिए संदेश कि ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जाती, इसलिए वहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित था। अब रावण ने आसान प्रश्न किया कि आपने इतने राक्षसों का वध क्यों किया, आप कौन हो, क्या चाहते हो। हनुमान ने कहा, मैं वानर, मैं भूखा था, कुछ फल खा रहा था, इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको मारा, हिसाब किताब बराबर। लंबा वार्तालाप, कटाक्ष और व्यंग चलता है, इससे रावण निरुत्तर हो जाते हैं, तो क्रोध में कहते हैं कि यह वानर मुझको सिखाएगा, इसे मृत्यु दंड दो। इस पर रावण के भ्राता राम भक्त विभीषण तुरंत खड़े हो जाते हैं और न्यायोचित व्यवहार का आग्रह करते हैं कि यह श्री राम का दूत है और दूत को मारना न्यायोचित नहीं है, इसे कोई और सजा सुनाए। इस पर रावण निर्णय सुनाता है तो वानर को पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। यह सुनकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान के पूछ में जब आग लग जाती है तो हनुमान ने अत्यंत लघु रूप पुनः ग्रहण किया और वे हर महल पर चढ़ चढ़ कर सभी को जलाते रहे। लंका वासियों ने विचार किया कि ये वानर नहीं है, कपि के रूप में कोई देवता है। सुनिए जरा।
रावण की पूरी लंका जल गई, पर विभीषण के घर या महल को हनुमान ने नहीं जलाया। संदेश: विभीषण ने हनुमान का आदर सत्कार किया था। हनुमान उस समय साधु वेश में थे। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि साधु या संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका अपमान करेंगे तो लंका की तरह खाक हो जाओगे, और सम्मान करोगे तो विभीषण की तरह बचे रहोगे। लंका को जलाकर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और सीता माता के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, माता जी आप भी मुझे कोई चिन्ह या निशानी प्रदान कीजिए ताकि मैं प्रभु को दिखा सकूं कि आपकी और मेरी भेंट हो गई है। संदेश: हनुमान पहले भी सीता माता से मिले थे, जब राम मुद्रिका दी थी उस वक्त चूड़ामणि नहीं ली। क्यों? क्योंकि हनुमान को पता था कि अभी कई राक्षस मारने हैं, रावण से भेंट करनी है, लंका जलानी है। इतनी देर चूड़ामणि की रक्षा का भार नहीं रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि किसी के घर में अगर हम कोई वस्तु मांगने जाए तो कब मांगे और किस प्रकार मांगे। सीता की खोज का समाचार हनुमान ने सबसे पहले सुग्रीव को सुनाया। सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए। सुने जरा। सभी वानरों ने दृढ़ संकल्प किया था कि जब तक सीता माता की खोज नहीं हो जाती तब तक हम वन के मीठे फल नहीं खाएंगे। अगर सीता माता की खोज नहीं होती तो आज भी कोई बंदर मीठा फल नहीं खाता। मैंने कक्षा 10 में एक दिन कहा था कि जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाती और आपके 95% मार्क्स नहीं आ जाते तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई मिठाई नहीं खानी है, मिठाई रिजल्ट की खानी है। तो बच्चे हंसे थे कि ऐसा कैसे संभव हुआ। यहाँ वानरों ने भी एक संकल्प लिया था कि जब तक सीता माता की खोज नहीं हो जाती है तब तक हम वन के फल नहीं खाएंगे। यहाँ खुशी है कि हम वन के फल आप खा सकते हैं। प्रभु श्री राम को जामंत ने कहा, प्रभु जिस पर आपकी कृपा होती है उसका काम अवश्य होता है। यहाँ कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, ध्यान से सुनना, प्रभु जिस पर आपकी कृपा होती है उसका काम अवश्य सफल होता है। संदेश: सीता की खोज हनुमान करके आए हैं। हनुमान ने बुद्धि विवेक शक्ति से कार्य किया, पर जामंत कह रहे हैं कि सीता की खोज आपके प्रताप से हुई है। इतना बड़ा कार्य करके हनुमान को गर्व या घमंड या अभिमान नहीं है, इसे कहते हैं नेकी कर और भूल। सुने जामंत ने क्या कहा। सभी वानरों का, रीछों का और भालुओं का आज जन्म सफल हो गया, ऐसा जामवंत कहते हैं सीता की खोज के साथ ही। हनुमान के इस अद्वितीय कार्य के प्रभु श्री राम प्रशंसा करते हैं और कहते हैं,
वंत अर्थात हनुमान कहते हैं, संदेश, अगर कोई बालक या शिष्य अच्छा कार्य करता है तो उसे शाबाशी देनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इसे पुनर्जन्म बोलते हैं। इससे वह अपने आप को अत्यंत हर्षित व गौरवान्वित महसूस करता है। पर यहाँ हनुमान कहते नजर आए हैं कि प्रभु इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, यह सब आपकी कृपा है। अब युद्ध की बारी है। सभी वानर रीछ बालू आदि की सेना बनाई गई और युद्ध के लिए प्रस्थान का जो चित्र बाबा तुलसी ने खींचा है उसे मैं समझाऊंगा नहीं सुनाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह छंद चाहे आपको समझ में ना आए पर इसका संगीत अति उत्तम है। सुने जरा। तुलसीदास लिखते हैं, सजीव वैद गुरु तेनी जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तेनी हर कोई बेगी नास। अर्थात सजीव वैद और गुरु, अगर ये आपसे मीठा बोल रहे हैं इसका मतलब आपका नाश निश्चित है। अर्थात अगर आपके गुरुजी आपसे मीठा व्यवहार कर रहे हैं इसका मतलब आपका विनाश। अगर प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर एक दूसरे के साथ मीठा व्यवहार कर रहे हैं तो भी गलत है। एक कड़ी जुड़ी हुई है। हम आपके साथ प्रिंसिपल सर के साथ चेयरमैन सर और प्रिंसिपल के साथ हम एक कड़ी है। अगर हम आपस में मीठा व्यवहार करेंगे तो ये संस्था के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा संदेश है। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीनी कर होई देगी नाश। विभीषण भी अपने भाई रावण को नैतिकता की सीख देते हैं और कहते हैं, तात चरण गई मगउ राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित ने कोई तुम्हार। अर्थात अगर आप सीता को राम को सौंप देंगे तो आपका कोई विनाश नहीं। इस पर रावण क्रोधित कहते हैं और विभीषण रावण का दरबार छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। विभीषण जैसे रावण के लंका छोड़ के जाते हैं तो तुलसीदास लिखते हैं, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भये सब तब ही। अर्थात अगर सभा में सज्जनों की बातों को वरीयता न देकर चापलूसों की बातों को सर्वोपरि रखा जाएगा तो व्यक्ति समाज या परिवार का पतन होते देर नहीं लगती। कवि ने लिखा है कि विभीषण को त्यागते ही रावण सहित सभी राक्षसों की उम्र कम होगी। अब जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे लगातार 6-7 दिन तक प्रभु श्रीराम को समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो प्रभु को क्रोध आ जाता है। विनय ने मानत जल्दी जड़ गए दिन तीन बीत, बोले राम सह को तब भय बिन होई न पी। अर्थात बिना भय के प्रीति संभव नहीं है। आपके शिक्षक अगर आपको डांटते हैं फटकारते हैं मारते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए। और श्री राम ने कहा कि देव देव आलसी पुकारा, अर्थात भगवान को बार बार कौन याद करता है जो लोग आलसी होते हैं। हे प्रभु मुझे बता लेना बालाजी महाराज 90% नंबर आ जाना। बालाजी महाराज कहेंगे कि मैं आपके टीचर को परेशान नहीं करूंगा, उसको कॉपी में कोई गलत कार्य करने नहीं दूंगा, आप अपना काम करें, आप आलसी हैं, देवता देवता न पुकारे। इस प्रकार के बहुत सी बातें आपको सुंदरकांड में देखने को मिलेंगी। 90 मिनट का सुंदरकांड और मैंने 20 मिनट में पूरा करने की कोशिश ही की है, मैं पूरा कर नहीं कर पाया। मैं आपको ये संदेश देता हूँ कि सुंदरकांड में जीवन निर्माण छिपा है। सुंदरकांड से आप एक जीवन दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपको ये एहसास होगा कि हमें जीवन में सदैव अच्छे कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और सदैव शिक्षा को सही तरीके से देना चाहिए। कभी हमें घमंड की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कार्य में हमेशा लीन रहना चाहिए। आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो और आपको प्रभु श्री राम और हनुमान दोनों का सानिध्य मिले, दोनों का आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।